पिछले साल जब महान शेन वॉन का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है भारत। ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E, अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है। हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर्स भी पहली बार भारत में IPL खेलने आई थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल
जब महान शेन वॉन का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है।